तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ में मस्ती होंगे। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है न्यू और फ्रेश वीडियो में। तो गाइस, सबसे पहले तो गाइस कल की वीडियो नहीं आ पाई बिकॉज यार कल दिवाली थी, तो गाइस वीडियो वगैरह नहीं शूट करने का टाइम मिला, पूरा दिन बिजी था गाइस। तो फिर उसकी वजह से तो कल के लिए सॉरी। एंड भाई, आप सभी को दिवाली तो हो गई है, बट हैप्पी दिवाली, तो वी रिलेटेड हैप्पी दिवाली। तो गाइस, आज की वीडियो गाइस मेरे को काफ़ी लोग जो कमेंट करते हैं कि भाई आपका जो मोटो ब्लॉग है सेटअप है उसको बताओ। तो भाई, मैंने अपना जो मोटो ब्लॉग सेटअप काफ़ी दिन से तैयार करके रखा है, बट यार इसकी कोई वीडियो वगैरह जो नहीं बनाई। तो भाई आज जो है मैं मतलब आज भी वीडियो वगैरह नहीं शूट हो भाई किसी कारण है। तो भाई मैंने सोचा क्यों ना आज जो है मोटो ब्लॉग अपना जो है मोटो ब्लॉग सेटअप है और माइक वगैरह के भाई पूरी जो है वीडियो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, जो भी मेरा मोटो ब्लॉग सेटअप है एंड क्या क्या जो मैंने एक्सेसरीज वगैरह लगाई हैं, माइक वगैरह कौन सा है, माउंट वगैरह कौन सा है और कौन कौन सा कैमरास वगैरह। तो भाई सब कुछ जो है आज अपनी वीडियो में जो है एक्सप्लेन करूँगा एंड बताऊँगा भी आपको भी कौन कौन से क्या क्या चीज़ है। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस देख सकते हो ये रहा हमारा मोटो ब्लॉग सेटअप, इस तरह से कुछ है। तो भाई देखो ये रहा हमारा जो मोटो ब्लॉग सेटअप है। तो भाई ये देखो, ये रहा हमारा पुराने वाला हेलमेट, कैमरा जो है वो पुराने वाले हेलमेट पे जो माउंट किया है, इस पर नहीं किया अभी क्योंकि इसको जो है जो डबल टेप वाला था स्ट्रिप विदाउट स्ट्रिप जो माउंट आता है वो लगाने इसके ऊपर है। तो भाई इसके ऊपर फिर बिकॉज यहाँ पे देखो भाई, एक तो इसका जो है ये वाली चीज़ जो है ये प्लास्टिक रबड़ है, बट ये फिर वो नहीं है ना, फ्लेक्सीबल नहीं है, थोड़ा हार्ड टाइप रबड़ है ये। तो भाई ये फिर ना मतलब ऐसे आएगा स्ट्रिप तो भाई जो पूरा बंद नहीं होगा। एंड ये देखो ये वाली जो इसकी पैडिंग है ना, तो भाई अगर इसको ये करेंगे तो ये देखो यहाँ से निकल आएगी, मैंने लगाया था इसके ऊपर, तो ये फिर यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगी और फिर भाई हेलमेट जो है ख़राब होने स्टार्ट हो जाता है। तो भाई मैं इसके साथ रिस्क नहीं लेना चाहता बिकॉज यार अभी नया नहीं है। एंड बाकी भाई इसके फिर जब जब दूसरा ऑप्शन है तो फिर क्यों हेलमेट को भाई हम फिर जो है इन चीज़ों को जो है सेक्रीफाइस करना पड़े। तो भाई जब मैं इसका ऑर्डर कर दिया मैंने विदाउट स्ट्रिप वाला जो है डबल टेप के साथ आता है, तो भाई वो अमाउंट लगाएंगे इधर, तो ये वाला स्ट्रिप वाला है। तो आप भी मतलब इसमें भी है वो वाली चीज़ जो इसमें है, देखो ये चीज़ है वो भी, बट ये जो है ना ये फोल्ड हो जाता है इजीली, तो इस पर मैंने जो है अमाउंट किया ये रखा ऐसे करके। तो ये मैंने कि इस वाले न्यू हेलमेट पर मैंने अभी क्यों नहीं किया, तो भाई जब वो आ जाएगा तो मैं उसकी वीडियो जो है आपको बता दूंगा, ठीक है। तो भाई इसको ये देखो भाई ये चीज़ बड़ी प्यारी है इसकी। तो भाई इसको जो है फिलहाल के लिए अभी हम साइड में रखते हैं बिकॉज इसका काम नहीं है कोई भी। तो भाई सबसे पहले जो है ये देखो ये क्या माइक्स वगैरह कुछ की बात करेंगे हम, ये बॉक्स है इसका। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई कौन सा एक्शन कैमरा है, तो भाई ये है गोप्रो हीरो 9, ठीक है। आजकल भाई 27K में मिलता रहा है, तो 27K मिल जा रहा है विदाउट बॉक्स वगैरह, तो भाई मैंने बॉक्स वगैरह के साथ ही लिया था ये। एंड भाई आपको मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आप इतना ज़्यादा बजट नहीं लगा सकते तो वो सेकेंड हैंड मिल जाएगा बजट में, मे बी आपको 12-13 हज़ार के बीच में मिल जाता है, तो भाई आप वो ले लो, ठीक है। तो भाई मैं इसको खोलता हूँ, ठीक है, पूरे को खोलता हूँ, देन उसके बाद बताता हूँ आपको मैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस ये है हमारा एक्शन कैमरा, ये देखो गोप्रो हीरो 9 जो है, ठीक है, वह देख सकते हो आप। तो गाइस ये थोड़ा सा टूट गया था, मैंने चार्जिंग पे लगाया था और मम्मी को पता नहीं था, तो भाई गिर के जो है ये टूट चुका है। तो भाई बाकी तो सब कुछ चलता वगैरह सब कुछ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बट ये स्क्रीन पे बस क्रैक आ गए हैं, बाकी तो ठीक है। ये देखो चल रहा है, डबल साइड डिस्प्ले है इसकी। तो भाई मैंने सुनने में यही आया कि गोप्रो जो है 2 वेरिएंट मतलब जैसे 5 और 6, 6, 7, 8, 9 नहीं 4, 5, तो गाइस जो गोप्रो 9 और 10 है तो मैंने उसी हिसाब से लिया था, तब 10 लेटेस्ट आया था और 9 जो है मतलब एक मॉडल पीछे था। तो जब मैंने 9 लिया था तो भाई 10 में मतलब एक दो फीचर से वो मेरे को भी नहीं पता, बट मेरे को जो है 9 ज़्यादा सूटेबल लगा, तो मैंने जो मेरे बजट में था वो मैंने ले लिया 9। एंड भाई अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसकी जो है बस थोड़ी देर मेरे पास जो कमी है इसकी बैटरी की है, बाकी एक्सेसरीज वगैरह तो आप देख ही सकते हो बराबर की एक्सेसरीज है, बस इसकी एक जो बैटरी मिल जाए बाकी तो कोई चक्कर नहीं है, बाकी तो सारा सामान इसका। तो भाई मैं आपको जो है सुजेस्ट करूँगा कि आप सेकेंड हैंड ले लो, बट ये सुजेस्ट करूँगा साथ में कि अगर चेक वगैरह करके लेना सब कुछ ठीक है, तो
ये देखो ये रहा हमारा GoPro एंड भाई ये इसके चार्जर मेरे पास, ये माइक अडेप्टर वगैरह नहीं होते तो फिर मैं बिना इसके करता था, बट इन बिल्ट जो माइक है विदाउट बिल्ट नॉइस अगर नॉर्मल ब्लॉगिंग करनी हो तब तो अच्छा है इसका इन बिल्ट माइक, बट जो मोटो ब्लॉगिंग तो उसके लिए हमें जो है एक्स्ट्रा माइक और ये जो है 2,45 रुपये का अकेला ये तो ये हमें लेना ही पड़ता है अडेप्टर जो होता है GoPro का, GoPro के अलावा कोई भी अडेप्टर इसमें मतलब सपोर्ट ही नहीं करता तो ये लेना ही पड़ेगा। तो भाई चलो इसको कर देते हैं ऑफ। तो भाई देख सकते हैं आप इसकी कंडीशन है भाई, अभी तक तो नहीं हुई है बिकॉज मैं इसको ज़्यादा जो है मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ गेड़ा दे रखना और बेफालतू की यूज़ में, जब यूज़ हो तभी मैं इसको जो यूज़ करता हूँ। अगर इसको एक बार मतलब अच्छे से क्लीन कर दें तो भाई ये फिर से दोबारा से हो जाएगा एंड इसकी डिस्प्ले डलवानी है, बट यार जब इसकी डिस्प्ले में प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी तो फिर क्यों डलवानी है, ऐसे चल रहा है काम तब तक चला लेते हैं ठीक है। तो भाई ये देखो इसका, तो भाई ये इसका कवर जो था साथ में मिला था एंड ये मेरे को लेने पड़ा था ठीक है, एक्शन प्रो का केस, तो केस ये फिर अडेप्टर भाई ये और ये दो चीज़ें जो आपको लेने पड़ेंगी। तो भाई उसके बाद बात करते हैं माइक की, तो भाई ये रहा मोनो का ठीक है, मोनो का लगाया था बट मेरे को इतना मतलब अच्छा नहीं लगा, इसमें बिल्ड नॉइस काफ़ी आ रही थी, मैक्सिमम बंदे बोलते हैं कि मोनो के इसमें बिल्ड नॉइस नहीं आती बट मेरे केस में बिल्ड नॉइस आई, तो भाई मैंने फिर लगाया नहीं। ये जो माइक है ना ये मेरे को करा था निखिल भाई ने गिफ्ट, तो निखिल भाई इसका नाम वगैरह जो भी है लिंक वगैरह आप कमेंट कर देना ठीक है, क्योंकि जब मैंने पूछा था निखिल भाई का तो निखिल भाई बोल रहे थे उनको भी याद नहीं कि उन्होंने कौन सा माइक किया, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है गाइस सस्ता ही है, बट भाई आपको जो है बिन क्वालिटी जो है आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी वगैरह आपको पता ही है मेरे ब्लॉग्स में मिलते हैं देखने के लिए, तो भाई इसमें जरा भी जो है बिन नॉइज़ नहीं आती ठीक है, मैंने 140 मतलब 130-135 तक की स्पीड में भी ना भाई इसमें जीरो की बिन नॉइज़ है ठीक है, तो इसमें आवाज़ वगैरह कुछ भी नहीं कटती है। एंड भाई ये देखो ये रहा माउंट है, तो भाई ये वाले माउंट वगैरह भाई मैंने एक बंदे को दिए थे ना ये और ये दोनों माउंट ठीक है, दोनों का तीनों माउंट दे दिए थे भाई, बंदे ने पता क्या किया ये वाला माउंट भी तोड़ा, ये वाला माउंट भी तोड़ दिया, तीसरा दिया था वो भी तोड़ दिया, भाई यार मतलब बंदे चीज़ें ले लेते हैं ना फिर उसकी जो है वापस रिटर्न है, भाई बंदा बोलता फिर पैसे ले लो, पैसे से क्या होगा जब भाई बंदे ने ट्रस्ट करके चीज़ ली होती है फिर आप तोड़ ताड़ के उसको वापस करो तो भाई वो सीन नहीं होना चाहिए ठीक है, तो तभी तो फिर मैं आजकल में तभी तो मैं बंदों को सामान देना प्रेफर नहीं करता हूँ ज़्यादा, तो भाई जो अगर भाई वीडियो देख रहे हैं तो सॉरी भाई बट ऐसा मत किए करो यार, सामान वगैरह ले लेते हो आप फिर मतलब तोड़ ताड़ के रिटर्न करते भाई ऐसा नहीं होता। तो भाई ये देखो ये अगर आपको बाइक वगैरह पर माउंट करना हो तो ये भी है हमारे पास जो माउंट है ठीक है, तो भाई ये देखो ये सारा सामान है, तो भाई इसको जो है असम्बल करते हैं अब जल्दी जल्दी, तो चलो। एंड भाई इसके अंदर एक बैटरी और भाई 46 GB का एक SD कार्ड है, बाकी चला चलू के तो मैंने बता दिया। तो भाई ये रहा हमारा ओवरऑल GoPro सेटअप, तो ये माइक जो है मेरी काम का नहीं है, एक माइक ही हमें विशाल भाई ने दिया था तो इसका भी जो मैंने स्टार्टिंग में किया था बट इसमें मिड नॉइस आती है, तो ये निखिल भाई वाला काम आ रहा तो मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो भाई ये देखो ये जैक से ही होता है ठीक है, 5mm जैक, तो इसके बिना जो है माइक किसी के साथ अटैच नहीं होगा, तो भाई देख सकते आप तो आप करते हैं हम इसको, तो भाई देख सकते हैं आप करते दोबारा से हमने जो है इसको माउंट इसके अंदर, तो भाई इस तरह से आता है कुछ एंड भाई अब लगाते हैं इसको इधर, भाई एक हाथ से लगाने पड़ रहा है ना, तो भाई ये हो गया। तो गाइस मैंने इसमें जो है माइक वगैरह इंस्टॉल कर दिया है तो ऐसे देख सकते हो, एंड भाई माइक जो है ना गाइस ये देखो यहीं पे मैं जिसका जो माइक लगाता हूँ एंड भाई वॉइस वगैरह काफ़ी अच्छी आती है, तो ये रहा हमारा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप एंड भाई ये रही एसेसरी, तो भाई एसेसरी भाई बंदे ना भाई एसेसरी रखना ज़रूरी होती है क्योंकि एक आधी टूट जाए तो भाई दूसरी तीसरी जो है बाकी जो है जुगाड़ू काम चलाने के लिए जो है हो जाए, तो भाई चलो। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब एंड गाइस अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड भाई आप जो है इसके अगली नेक्स्ट वीडियो जो है आपको मे भी हो सकता है कि MT और NS200 की जो है आपको ड्रैग रेस मिल जाए या फिर आपको जो है NS के ऊपर कोई मॉडिफिकेशन वीडियो मिल जाए, तो गाइस इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको, तो गाइस चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।